Residents in Ladakh came out in large numbers to celebrate Setsi Setsi, New Year's moon-watching ceremony as part of Losar, Tibetan Lunar New Year festivities. Losar is one of the biggest festivals of Ladakh. The celebrations last for 15 days. President of LBA Youth Wing Rinchen Namgail said the ceremony was organized to promote the Buddhist culture of Ladakh. हमारे हिमालयन रिलीजन के जितने भी लोसर मानते हैं इन सबको लोसर मुबारक। लोसर मीन्स हमारा न्यू ईयर मानते हैं, तो हम आज सुबह से ही एलबीए यूथ विंग की तरफ से हमने कल्चर प्रोग्राम हो या रोक शो के हिसाब से हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हम हमारा मेन उसमें ऑब्जेक्टिव ये होता है, मेन एम ये रहता है कि खासकर हमारे यूथ को खासकर एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया कराते हैं, प्लेटफॉर्म, ताकि जो आने वाले जितने भी हमारे यूथ हैं उनको थोड़ा मॉरल बूस्ट हो। उनके लिए इसलिए हम रोड शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, खासकर भी जो त्से-त्से सेरेमनी है जो हम लोसर के तीसरे दिन हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें हमारा कल्चर ट्रेडिशन को हम डिपिक्ट करते हैं, इसको शो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इनको प्रिजर्व करने की हम कोशिश करते हैं। हमने ये हमारा 5वां साल है जो हम लद्दाख बुद्ध यूथ विंग की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कल्चर अकेडमी के सपोर्ट से, और हमारा ये ही रहता है कि यूथ को खासकर हमारे कल्चर ट्रेडिशन को दिखाएं। आने वाले बाहर से आने वाले टूरिस्ट हो या बाहर यहाँ पे काम करने वाले, उनको थोड़ा सा हमारे कल्चर के बारे में उनको मालूम हो और इसका ये जो कल्चर ट्रेडिशन है रिवाइव हो। Losar is marked with ancient ceremonies that represent the struggle between good and evil. The first 3 days are the most important. The celebrations were an amalgamation of ancient rituals, dance dramas and music and dance.